हम छठ पर्व की जब भी चर्चा करते हैं तो एक बात ज़रूर कहते हैं कि बिहार से कम महत्व तो नहीं रखता है गढ़वा का छठ गढ़वा में भी छठ महापर्व खासा महत्व तो रखता है आप देख रहे होंगे यही दानरो नदी है जहाँ पर कई घाट अवस्थित हैं जहाँ जिला मुख्यालय के साथ साथ पास के जो गांव हैं वहाँ के लोग भी यहाँ छठ करने पहुँचते हैं पड़ोसी जो राज हैं हमारे बिहार छत्तीसगढ़ यूपी वहाँ के लोग भी पहले से यहाँ पर छठ करते आए हैं छठ जो यहाँ पर क्लब हैं वो क्लब द्वारा व्यवस्था की जाती हैं सबसे बड़ी बात कि नगर परिषद द्वारा नगर परिषद द्वारा हर साल यहाँ पर घाट को पर व्यवस्थाएँ की जाती हैं अभी हमारे साथ यहाँ नगर परिषद की अध्यक्ष हैं पिंकी केसरी जी हैं वार्ड पार्षद हैं इनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है यहाँ पर घाटों का निरीक्षण सभी घाट हमने आपको बताया कि इसी दानो नदी पर कई घाट अवस्थित हैं सभी घाटों का निरीक्षण इनके द्वारा किया जा रहा है सारी व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है नगर परिषद हर साल छठ महापर्व के पूर्व से ही सारी व्यवस्थाएं नगर परिषद द्वारा की जाती हैं गाड़ियों से जो यहाँ पर नदी है उसको बराबर करने के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं नगर परिषद द्वारा की जाती है हमारे साथ अध्यक्ष हैं बात करें मैडम यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है कई घाटों का निरीक्षण किया गया हर साल नगर परिषद द्वारा बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की यहाँ नगर परिषद के द्वारा हर घाट पर व्यवस्था तो की जाती है और हम लोग हर घाट पर जाकर निरीक्षण भी करते हैं अब मैं संतुष्टि भी हूँ कि घाट की अच्छा साफ साफ़ सफाई हो रही है और इसके बाद भी हम लोग ध्यान देकर साफ़ सफाई भी करवा दें सही बात है हर साल हमने आपको बताया कि नगर परिषद द्वारा साफ सफाई यहाँ पर नदी का किया जाता है नदी में गंदगी भर भरी रहती है उसको साफ सफाई जो निर्देश अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है उस निर्देश का कितना अनुपालन हो रहा है नगर परिषद के कर्मी द्वारा कितना अनुपालन किया जा रहा है उसी का निरीक्षण आज यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा है क्या कहेंगे तो है बहुत ज़्यादा है गढ़वा में बाहर से लोग भी आते हैं यहाँ गढ़वा में छठ करने और लड़की लोग भी सब आती है जिसका जिसके घर में छठ होता है बहुत सुंदर होता है गढ़वा में छठ आइए और छठ को देखिए बहुत धन्यवाद सही तो बात गढ़वा का छठ खासा महत्व तो रखता है यहाँ पर लोग बाहर से भी लोग छठ करने आते हैं किसी के यहाँ अगर छठ होता है बाहर बाहर में उनके सुंदूर प्रदेश में उनके रिश्तेदार हैं तो वो भी यहाँ पहुँचते हैं गढ़वा का छठ इस तो बिहार का छठ काफी महत्व तो रखता है लेकिन गढ़वा का छठ भी काफी महत्वपूर्ण स्थान स्थान बहुत बहुत महत है। गड़वा बहुत महत्वपूर्ण है है छठ पर्व अच्छा लगता है। हर जगह से बेटी बहू लड़के लोग आती है छठ पर्व करती है अपना बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा को देखते हुए हमारे नगर परिषद द्वारा साफ सफाई बहुत अच्छी तरह हो रहा है और आगे भी होता रहेगा हमारे साथ अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष केसरी जी भी हैं छठ बहुत पहले से छठ यहाँ पर होते आ रहा है नदी के साफ़ सफाई का विशेष ध्यान नगर परिषद द्वारा रखा भी जाता है उसी का निरीक्षण करने आ जाते निकली भी देखिए पहले तो छठ महापर्व गढ़वा शहर के लिए ऐतिहासिक है यहाँ पर अध्यक्ष के द्वारा सबसे पहले छठ व्रत आने से पहले अपने पूरे वार्ड पार्षद और छठ के जितने भी क्लब के मेंबर्स हैं उनके अध्यक्ष पदाधिकारी सभी लोगों के साथ अपने नगर परिषद में एक मीटिंग होती है और जो भी सुझाव छठ घाट के प्रतिनिधियों के द्वारा दी जाती है उसको भली भांति नगर परिषद निभाती है आज करीब करीब पंद्रह दिनों से नगर परिषद के सभी कर्मचारी मैंने पूरी युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा है सफाई अभियान का दो दो जेसीबी ग्लेडर मशीन के द्वारा लगी यहाँ काम चल रहा है और यहाँ पर स्वीपर की भी व्यवस्था की गई है सभी छठ घाटों के निगरानी के लिए नगर परिषद द्वारा नगर प्रबंधक की व्यवस्था सहायक की व्यवस्था कर्मचारी की व्यवस्था सारे लोगों को निगरानी दे दिया गया है दो दो चार चार घाट का खुद उन लोग जवाबदेही लेंगे और सभी नगर पंचायत के कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है सबसे प्राथमिकता के आधार पर छठ घाट को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए हर कर्मी मेरे लगे हुए हैं यहाँ तक कि सफाई प्रभारी बिंदु राम जी से लेकर हमारे रंजन पांडे से लेकर कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर सभी वार्ड पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हर लोग यहाँ लगे हुए हैं और कोई कसर और हमको लगता है कि यहाँ के जो छठ घाट के जो क्लब के मेम्बर्स हैं वो तो पूरी निष्ठा के साथ रातों दिन भी वर्क कर रहे हैं और झारखंड में हमको लगता है कि यहाँ पर जो पर्व होती है नंबर वन छठ महापर्व तो सब जगह होती है लेकिन यहाँ की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है यहाँ पर अर्घ देने के बाद परिवर्तन जाति भी नहीं है यहाँ लोग बैठते हैं रात भर भी कुछ परिवर्तन जिसका मनता रहता है वो बैठती हैं और पूरे बीस घाटों पर सफाई की व्यवस्था की जा रही है और आगे भी कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा व्हाट्सएप नंबर उसको दिया गया है कि किस भी व्यवस्था को जैसे ही अगर किसी को सूचना मिलती है कि यहाँ ये चीज़ चाहिए तुरंत नगर परिषद उसको मुहैया करा रही है सही बात है निश्चित रूप से बधाई का पात्र है नगर परिषद जिसके द्वारा हर साल यहाँ पर सभी घाटों पर व्यवस्थाएं की जाती हैं और जैसा कि संतोष जी ने बताया कि जितने भी घाट हैं यहाँ पर सभी घाटों पर नगर परिषद तत्पर है सभी के द्वारा चाहे तो वह नगर परिषद के अध्यक्ष हों उपाध्यक्ष हों कार्यपालक पदिकारी हों सभी वार्ड परिषद जहाँ एक तरफ तत्पर होकर के साफ सफाई से लेकर घाटों पर व्यवस्था लेकर को, को लेकर तत्पर है वहीं दूसरी ओर और जो भी क्लब है यहाँ पर जो क्लब कार्यरत हैं व्यवस्थाएँ देने के लिए उसके भी पदाधिकारी उसके सारे मेंबर दिन रात पूरे एक महीना लग करके घाटों को पूरी तरह से तैयार करते हैं तब जाकर यहाँ पर छठ महापर्व सम्पन्न हो पाता है हम एक बार फिर से कहेंगे वो लाइन जरूर दोहराएंगे, जब भी हम छठ की बात करते हैं छठ महापर्व की तैयारी की बात करते हैं एक बार जरूर कहें कि आप जहां भी हो एक बार गढ़वा के छठ घाट पर जरूर पहुंचे क्योंकि यहाँ का छठ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है खासा महत्व रखता है कैमरामैन मनीष एम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन बिंदास न्यूज गढ़वा